नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन और मैं हूं आपके साथ चिराग सुखीजा। भारत और बांग्लादेश के बीच वनडे सीरीज चल रही है। दो मुकाबले भारत ने गंवा दिए हैं, यानी कि सीरीज अब भारत नहीं जीत सकता है। सिर्फ व्हाइट वॉश होने से भारतीय टीम इस सीरीज को बचा सकती है। इसके बाद भारत को बांग्लादेश के खिलाफ दो टेस्ट मुकाबले खेलने हैं और अब इसके आगे का भी शेड्यूल जो है वो BCCI ने जारी कर दिया है, यानी कि इसके बाद जो श्रीलंका का भारतीय दौरा है, उसके बाद न्यूजीलैंड भारत आएगी और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया जो है भारत आएगी। वहां पर क्या शेड्यूल रहेगा पूरा, वो इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं। आपके एक एक सवाल का जवाब देंगे कि मुकाबला कब होगा, कहां होगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं श्रीलंका की। श्रीलंका भारतीय दौरे पर आ रही। शेड्यूल की बात करें तो 3 जनवरी यानी कि मंगलवार के दिन पहला T20 मुकाबला मुंबई में खेला जाएगा श्रीलंका के खिलाफ। दूसरा T20 मुकाबला जो है 5 जनवरी पुणे और तीसरा T20 मुकाबला 7 जनवरी राजकोट में खेला जाएगा। इसके अलावा श्रीलंका के खिलाफ 3 वनडे मुकाबले भी खेलने हैं, 10 जनवरी, 12 जनवरी और 15 जनवरी को गुवाहाटी, कोलकाता और त्रिवेंद्रम में ये तीनों ODI मुकाबले खेले जाएंगे। इसके बाद न्यूजीलैंड भारतीय दौरे पर आएगी, यहाँ पर भी 3 ODI मुकाबले और 3 T20 मुकाबले खेले जाएंगे। पहला ODI मुकाबला 18 जनवरी को हैदराबाद में खेला जाएगा, उसके बाद 21 जनवरी को दूसरा ODI मुकाबला रायपुर में खेला जाएगा और इंदौर में तीसरा ODI मुकाबला 24 जनवरी को खेला जाएगा। वहां पर 3 T20 की बात कर ले तो रांची, लखनऊ और अहमदाबाद में 3 T20 मुकाबले होंगे। 27 जनवरी, 29 जनवरी और 1 फरवरी को ये मुकाबले खेले जाएंगे। उसके बाद बात करें तो ऑस्ट्रेलिया टूर ऑफ इंडिया, यानी कि ऑस्ट्रेलिया सबसे पहले 4 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए इंडिया आ रही है और उसके बाद 3 ODI मुकाबले यहां पर ऑस्ट्रेलिया खेलेगी। 9 से 13 जनवरी तक पहला टेस्ट मुकाबला नागपुर में खेला जाएगा, दूसरा टेस्ट मुकाबला दिल्ली में 17 से 21 फरवरी तक खेला जाएगा, 1 से 5 मार्च तक तीसरा टेस्ट मुकाबला धर्मशाला में खेला जाएगा और चौथा टेस्ट मुकाबला अहमदाबाद में 9 से 13 मार्च तक खेला जाएगा। वहीं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 वनडे मुकाबले की बात करें तो 17 और 22 मार्च को ये 3 ODI मुकाबले खेले जाएंगे। ये मुकाबले मुंबई, वाइजैग और चेन्नई में खेले जाएंगे। तो ये है अब अगला कार्यक्रम, यानी कि मार्च तक का जो शेड्यूल है वो BCCI ने जारी कर दिया है। भारतीय टीम को ये तीनों सीरीज भारत में ही खेलनी है और यहाँ पर तीनों सीरीज में ही 3-3 वनडे मुकाबले खेले जाएंगे। ODI विश्व कप को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि अक्टूबर में ODI विश्व कप होना है, ये तीनों सीरीज घरेलू सीरीज हैं, भारत को ही खेलनी है और विश्व कप भी भारत में ही होगा, इस लिहाज से ये तीनों सीरीज भारतीय टीम के लिए बेहद ज़रूरी हैं। इन तीनों सीरीज को जीतना भारतीय टीम के लिए बेहद ज़रूरी है। बांग्लादेश के खिलाफ तो हम सीरीज हार ही गए हैं, अब श्रीलंका, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जो है इंडिया आकर ODI मुकाबले, T20 और टेस्ट का ये पूरा शेड्यूल जो हमने आपको दिखाया, ये मुकाबले भारतीय टीम को खेलने होंगे। आपको क्या लगता है, टीम इंडिया ये मुकाबले जीत पाएगी क्या, विश्व कप की तैयारी अच्छे से हो पाएगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इसके अलावा अगर अभी तक आपने न्यूज़ नेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि देश और दुनिया से जुड़ी हर खबर सबसे पहले आप तक पहुँचे। देखते रहिए न्यूज़ नेशन।